दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, खत्म हुई दूसरे सचिन तेंदुलकर की तलाश। संघर्ष की भट्टी में तपकर आया एक ऐसा उभरता सितारा खुद सचिन के अंदाज में अपनी भयंकर बल्लेबाजी से पलटा देता है पूरे मुकाबले का रुख। नाम सुनकर ही खौफ में आ जाता है दुनिया का बड़ा बड़ा गेंदबाज। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में विरोधी टीम के परखच्चे उड़ाकर टीम इंडिया को दिलाई फाइनल में जगह, तो आखिर कौन है वो धाकड़ खिलाड़ी जिसे खुद भगवान सचिन तेंदुलकर का उत्तराधिकारी माना जा रहा है? क्यों उसका स्ट्रगल सुनकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें तक नम हो गई? ऐसा क्या करिश्मा कर दिखाया उसने कि अब उसकी तुलना खुद सचिन से हो रही है? सब कुछ तो हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्रिकेट के 150 सालों से भी अधिक के इतिहास में कई खिलाड़ी आए, कई खिलाड़ी गए। हजार से भी अधिक खिलाड़ियों ने क्रिकेट के इस खेल में अपने अपने देश के लिए योगदान दिया, लेकिन भगवान का दर्जा केवल एक खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है, वो भारत के सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मुकाम हासिल किए हैं, वो उसे ऊंचाई को पाया है। जहां तक पहुंच पाना तो हर एक बच्चे का सपना होता है। हर एक खिलाड़ी जब हाथों में बल्ला थामता है तो उसकी प्रेरणा होती है। हर एक खिलाड़ी तेंदुलकर बनने का सपना देखता है। भगवान की बराबरी करना तो आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई है, शायद इसलिए तो उन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। जब से सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा है, तब से उनके रिकॉर्ड तोड़ने की कई खिलाड़ियों ने कोशिश की। विराट कोहली उनके नक्शे कदम पर चलने वाले उनके सबसे प्रतिभावान और बड़े शिष्य माने जा रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा खिलाड़ी भारत की साल जमीन पर निकल कर आया है जिसने मैच 18 साल की उम्र में ही वो अपने मुकाम हासिल कर चुका है, जिसके बाद तो उसे भारत का हमला अगला सचिन तेंदुलकर माना जा रहा है। जी हाँ, दरअसल हम जिस दूसरे सचिन की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय टीम के युवा अंडर 19 विकेट कीपर बल्लेबाज सचिन दास हैं। सचिन दास फिलहाल अंडर 19 विश्व कप खेल रहे हैं। सचिन दास का पूरा नाम सचिन संजय दास है। उनका जन्म 3 फरवरी 2004 को महाराष्ट्र के बीड शहर में हुआ था। सचिन के पिता का नाम संजय दास और माता का नाम सुरेखा दास है। सचिन की माँ सुरेखा दास एक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा क्रिकेटर बने, लेकिन सचिन के पिता हमेशा अपने बेटे को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए देखना चाहते थे। सचिन के पिता संजय दास को क्रिकेट देखना और खेलना बेहद पसंद है। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में खूब क्रिकेट खेला है। वो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। सचिन के पिता ने सचिन तेंदुलकर से प्रेरित होकर अपने बेटे का नाम सचिन रखा था। सचिन दास के जीवन की सबसे बड़ी अनसुनी कहानी ये है कि उनके पिता ने अपने बेटे को सही ट्रेनिंग देने के लिए पैसे उधार लेकर बेटे के लिए टर्फ विकेट तैयार किया जिस पर सचिन बल्लेबाजी कर सके। उनके पिता सच में चाहते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बने और अपने पिता के सपनों को पंख लगाते हुए सचिन दास इस बार अफ्रीका में हो रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ 6 मैचों में 294 रन बनाए हैं। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने नेपाल के खिलाफ सुपर 6 मैच में शानदार शतक लगाया था। उस मैच में उन्होंने 101 गेंद में 116 रनों की शानदार पारी खेली थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने महत्वपूर्ण 96 रन बनाए। हालांकि वो अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनके बल्लेबाजों का नतीजा था कि 55 रनों पर ही चला विकेट गंवाने के बावजूद भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। सचिन दास ने सेमीफाइनल मैच में अफ्रीका के खिलाफ उदय सहारन के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी कर भारत को अंडर 19 के फाइनल में पहुंचाया। इसके बाद सचिन दास का पूरा क्रिकेट जगत में खूब डंका बज रहा है। हर कोई इस खिलाड़ी को बेहद प्यार दे रहा है और अब उनकी इसे करिश्मे की बदौलत उनकी तुलना खुद भगवान सचिन तेंदुलकर से होने लगी। एक तो उनका नाम सचिन है, दूसरी तरफ वो भी सचिन तेंदुलकर की तरह ही सिंगल हैंडेडली मैच में टीम इंडिया को चैंपियन बना रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर की उपाधि भी दी जा रही है। यहाँ तक कि अब हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सचिन दास को बहुत जल्द भारत के सीनियर टीम में जगह दी जाए और वो सचिन तेंदुलकर की कमी को पूरा करें। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि सचिन दास को कितना वक्त लगेगा भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, सचिन दास क्या भारत के अगले सचिन तेंदुलकर बन पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।